हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गेट अनरेडी विद मी सॉर्ट ऑफ वीडियो। ये मेकअप लुक ऑलरेडी मेरे उस पर चला गया है चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक दैट आउट, और मैं यहाँ पे लिंक भी कर दूंगी। तो चलिए, अब इस मेकअप को हटाने का टाइम आया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ कि मैं अपना मेकअप कैसे हटाती हूँ, उसके बाद में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ। तो टू रिमूव माई मेकअप, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेबिलीन का आई एंड लिप मेकअप रिमूवर। दिस इज ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर, आप देख भी सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा इसको यूज़ कर लिया, ऑलमोस्ट ख़त्म पे है। और ये मेरी पता नहीं कितना नंबर ऑफ बॉटल्स में ऑलरेडी इसको ख़त्म कर चुकी हूँ। काफ़ी टाइम पहले से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी, पर्सनल लेवल पे बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी, एंड आई सीरियसली लव दिस। तो ये जो है आता है 115 रुपीज़ का, एंड अच्छा खासा टाइम तक चलता है ये। फॉर क्वांटिटी है 40 ml, तो अच्छा खासा टाइम आपको ये चल जाएगा, ऐसा नहीं है। बस इसको ये है कि यूज़ एक्चुअली ऑयल बेस्ड है, तो जब आप थोड़ी देर इसको रखा रहते हैं तो ऑयल सेपरेट हो जाता है वाटर से, तो इसीलिए इसको यूज़ करने से पहले हमेशा इसको शेक करना होता है। आफ्टर शेकिंग दिस, नाउ आई एम टेकिंग अ कॉटन पैड एंड इस पर मैं लूँगी थोड़ा सा, एंड पहले आई पे मैं आई से ही शुरू कर रही हूँ। आई पे बस मैं रख के छोड़ दे रही हूँ फॉर लाइक गुड 10 सेकेंड्स, एंड नाउ दिस। एक स्वाइप में सारा मेकअप बाहर, एक ही स्वाइप में। ओके, सो ये पूरा गंदा हो गया है। तो अभी मैं दूसरा कॉटन पैड ले रही हूँ, फिर से इसको शेक किया, थोड़ा सा इस पे लिया एंड जस्ट कीप। दिस इज ऑल रियल टाइम गाइस, आप देख सकते हो कितना जल्दी ये सब कुछ रिमूव कर दे रहा है, बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लग रहा है। कितना भी वाटरप्रूफ मेकअप हो, कितना भी हैवी हो, सब कुछ इससे रिमूव हो जाता है। सो नाउ माय मेकअप इज ऑफ। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। तो मैं पहले अपना फेस थोड़ा सा डैम्प कर लूँगी फेस वॉश यूज़ करने से पहले। ओके, फॉर फेस वॉश आई एम गोना यूज़ गुड वाइब्स का ये एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश। ये मुझको सैंपल में मिला था फ्री, जब मैंने कुछ उनसे शॉपिंग किया था बहुत सारा, तो इसीलिए मैंने अब तक ये ट्राई नहीं किया। आप देख सकते हैं सील लगा हुआ है, तो चलिए देखते हैं ये कैसा है। ओके, आई एम गोना टेक गुड क्वांटिटी, बिकॉज मेकअप था तो थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है। ओके, आई कैन फील इसमें कुछ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल भी है शायद, एक दो मेरे को फील हुआ है, पर वो एक ही फील हुआ है, तो या तो कुछ और भी हो सकता है, पार्टिकल नहीं है उसमें, मे बी समथिंग एल्स। तो इसको अच्छे से मसाज करेंगे सो दैट जो भी आपका एक्सेस मेकअप है सब इस पर निकल जाए। एंड ये चारकोल फेस वॉश है, तो दिस विल मेक श्योर कि कुछ भी आपके फेस पे ना बचे मेकअप का रेसिड्यू। बस आपको अच्छे से इसको अप्लाई करना है, मसाज करना है, एंड यू विल बी गुड टू गो। ऑल राइट गाइस, सो आई एम बैक, अच्छे से सब कुछ क्लीन हो गया है। तो नाउ आई एम गोना यूज़ टोनर। तो टोनर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये डॉक्टर बेलमर का क्लैरिफाइंग टोनर। दिस इज फेशियल टोनर लोशन, एक्चुअली ये पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है। या ये छोटा है,
साइज मेरा पास जो है, मैंने एक किट लिया था फेस शॉप से, तो उसमें ये पूरा की थ्री स्टेप किट आया था, फोम मतलब फेस वॉश टोनर एंड मॉइस्चराइजर वाला। फेस वॉश तो मेरा यूज़ हो गया पूरा, बहुत अच्छा था वो भी। एंड टोनर भी मेरा ये ख़त्म है, एक दो यूज़ का ही बचा है। एंड मॉइस्चराइजर मेरे पास अभी है। स्मेल भी इसकी बहुत माइल्ड है, बहुत अच्छी है, आपकी स्किन का बैलेंस मेंटेन कर देगा, पीएच बैलेंस, और बहुत हाइड्रेटिंग है, ड्राई आउट नहीं करेगा आपकी स्किन। चलिए टोनर भी हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज़ आर मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए भी मैं यूज़ करने वाली हूँ डॉक्टर बेलमर का ही ये क्लेरिफाइंग मॉइस्चराइज़र। यू जस्ट नीड अ टीनी टाइनी बिट फॉर द होल फेस। ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है ये, बहुत अच्छा है गाइज। अगर आप एक अच्छे उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं मॉइस्चराइजर में या पूरे रूटीन में, तो डू ट्राई दिस डॉक्टर बेलमर रेंज फ्रॉम द फेस शॉप ब्रांड, बहुत अच्छा है। आई एम प्लानिंग टू बाय द फेस वॉश इसका फुल साइज, जो आई गेस 1000 रुपीज़ का है। बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, स्किन पे बहुत इफेक्टिव था वो, तो या आई एम थिंकिंग टू बाय दैट। बट जनरली वो आउट ऑफ स्टॉक होता है, और बेसिकली मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा बहुत डिस्काउंट आए, बट इस पर कभी डिस्काउंट भी नहीं दिखता। सो या चलिए, तो बातें करते करते हमारा मॉइस्चराइजर भी अप्लाई हो गया। एंड नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ आर रूटीन इज अ लिप बाम। तो टुडे फॉर माई लिप बाम आई एम गोना यूज दिस बायोटिक लिप बाम। दिस इज देयर बायो एलमंड लिप बाम, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत इफेक्टिव भी है। ये बस 25 रुपीज़ का है गाइज, और बहुत अच्छे से अपना काम करता है। इट्स वेरी गुड, हाइड्रेटिंग है, आपके लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेंगे, आपको बहुत अच्छे से ये रहेगा, आपके लिप्स भी काफ़ी टाइम तक रहेगा, और काफ़ी टाइम तक आपको हाइड्रेशन भी फील होएगा। और बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी है, तो आपको बहुत हैवी भी फील नहीं होता है। सो या सो गाइज, हेयर आई एम डन विद माई स्किन केयर रूटीन एंड हाउ आई रिमूव माई मेकअप। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू वॉन्ट एनी पर्टिकुलर वीडियो जो मैं आप चाहते हो मैं करूँ, तो आई विल डू दैट फॉर यू। तो ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।